फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक टॉक और मैं हूं अप्सरा। आज की मेरी वीडियो आमिर खान के टर्की के विज़िट के ऊपर है और उस पर हिंदू इंतहा पसंदों का वबेला। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आमिर खान जो कि इंतहाई फेमस एक्टर हैं, उनकी पॉपुलरिटी टर्की में भी उतनी है जितनी पाकिस्तान और इंडिया में है, और वो अपनी एक फ़िल्म की प्रमोशन के सिलसिले में टर्की गए हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात तैयब रजब उर्दुगान और उनकी अहलिया से भी हुई है और उसकी पिक्चर्स उन्होंने बहुत ही शौक़ से अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसे ये अंदाज़ा होता है कि तुर्की जाकर वो इंतहाई खुश हैं। लेकिन यूँ ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हिंदू इंतहा पसंदों ने आमिर खान के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया है। इनको गद्दार कहा जा रहा है क्योंकि मौजूदा हालात में पाकिस्तान और तुर्की के बेइंतहा अच्छे ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स हमारा उनके साथ अलायंस हो चुका है। चाइना और भारत में बहुत ज़्यादा चपलिस चल रही है और पाक चाइना दोस्ती तो सारी दुनिया जानती है। इन हालात में आमिर खान का तुर्की जाना हिंदू इंतहा पसंदों को इंतहा से भी ज़्यादा खटक रहा है। वो इनको गद्दार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुल्क बदर हो जाए। आमिर खान इससे पहले भी एक कंट्रोवर्सी का शिकार हुए थे और वो थी राइट आफ्टर पीके फिल्म। पीके फिल्म के बाद इनको इतना ज़्यादा थ्रेट किया गया था कि इनकी बेगम किरण राव ने ये बयान दिया था कि अब हमें हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। किरण राव मज़हब के लिहाज से एक एथिस्ट हैं, यानी कि वो किसी मज़हब पे बिलीव नहीं करती। फिर भी उन्होंने इंडिया को एक अनसेफ कंट्री करार दिया था क्योंकि पीके फिल्म के रिलीज़ होने के फ़ौरन बाद ही इंतहा पसंदों ने उनके ऊपर गद्दार, नॉन पेट्रियाटिक और पता नहीं क्या क्या कुछ कहकर आमिर खान को मुल्क छोड़ने का कहा था, जिस पर किरण राव का यह बयान आया था। आमिर खान मज़हब के लिहाज से मुसलमान हैं, हज और उमरे की सादत भी हासिल कर चुके हैं और तारिक जमील के साथ भी बहुत अच्छी मुलाकात रह चुकी है। मौजूदा दौर के हालात में जब भारत की ना तो पाकिस्तान से बन रही है, ना चाइना से और ना ही तुर्की से, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पाकिस्तान का दोस्त भारत का तो कभी दोस्त नहीं हो सकता। इस तरह की सिचुएशन में आमिर खान का तुर्की जाना एक थोड़ा सा रिस्की मामला है। पीके फिल्म के बाद तो हिंदू इंतहा पसंदों ने इनको ISI का एजेंट तक कह दिया था और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में RSS का किस कदर दबाव है। हम उम्मीद करते हैं कि आमिर खान सेफ़ एंड साउंड रहें, बिकॉज़ ही इज़ जस्ट अ एक्टर, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, और इस मामले को पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए। लेकिन RSS का ये एक पुराना मसला है कि किसी भी एक्टर के इस तरह के दौरे को पॉलिटिकल रंग देकर उसको लान तान की जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। फॉर नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।